बहन भाई भी छोड़कर चले गए, माँ बाप वैसे ही फोत हो गए। मैं इस टाइम रोटी के लिए इतनी परेशान हूँ कि मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं जिस्म फरोशी करूँ, शायद मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। सर इनको मानत पकड़ाई है, इन्होंने सेल कर दिया है। मैं जाकर पूछा कि मेरा जेवर कहाँ है, कहते हैं निकल जाओ धक्के दे के। सर इन्होंने मुझे घर से निकाल भाइयों, दिया। सगे भाइयों ने धक्के दे के सगे निकाल भाइयों ने, दिया। अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करती, फैसलाबाद में गरीबां दी हट्टी नाम है हमारा, शेख असलम क्लॉथ हाउस हमारा फैसलाबाद में भाई नाम है, रॉयल प्लाजा है हमारा, गरीबां दी हट्टी हमारी दुकान है। फिर मैं जिस्म फरोशी क्यों करूंगी अगर पेट मेरा पल रही, तो मैंने मजबूरी के तहत करना है, या तो खुदकुशी है या जिस्म फरोशी है। न्यूज़ टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जब बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो वही माए बहनें जिस्म फरोशी पे मजबूर होंगी। तो आज ये साथ जो हमारे बहन मौजूद हैं, इनकी दास्तान जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, आपके साथ क्या हुआ कि आपके पास एक ही रास्ता जो आपने बताया, जी या मैं मर जाऊं तो या मैं जिस्म फरोशी शुरू कर दूं। सर मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी, मेरे माँ बाप फोत हो चुके, मेरा नाम आयशा है, मेरे वाले साहब वालदा फोत हो गए हैं सर। तो मैं बहन भाइयों ने शादी की है, मेरी शादी की है अपनी पसंद से, तो उन्होंने करके शादी सर मुझे जलीलो ख्वार किया। मेरी जायदाद पहले अपने नाम लगवा ली है, उसके बाद मेरा जेवर मैंने इनको बतौर अमानत पकड़ाया। सर मेरे जेवर में खयानत कर गए, जिसकी वजह से 7 साल से मेरे हस्बैंड के साथ रहती थी, उसमें इख्तलाफात हमारी इस चीज़ के आ गए कि तुम्हारे भाई ने जेवर बेच दिया, हमारा जेवर क्यों बेचा है? मैंने मानत पकड़ाई थी, मेरे मियाँ भी मेरे भाई की तरफ छोड़ा है। सर मैं तो इस चीज़ को कहती कि मतलब ही रिश्ते हैं बस। सर 2 महीने हो गए, मियाँ भी मेरे छोड़ कर चले गए, बहन भाई भी छोड़ कर चले गए, माँ बाप वैसे ही फोत हो गए, मतलब ही रिश्ते हैं। सर मैं इस टाइम रोटी के लिए इतनी परेशान हूँ कि मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं जिस्म फरोशी करूँ, शायद मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। नाजरीन आप हालत देख सकते हैं कि बेचारी खातून जो है वो किस पोजीशन पे आ चुकी है, किस नेज पर पहुंच चुकी है। अच्छा आपकी जो जायदाद आप कह रही हैं जो आपके हिस्से में आती थी, वो कितनी थी जो भाइयों ने ले ली? सर एक प्लाजा था जो भाइयों ने अपने नाम करवा लिया है, 36 तोले मेरा जेवर था। सर हाथ से मजदूर, मेरा हाथ नहीं काम करता, मैं हाथ से मजदूर, मेरा हाथ नहीं काम करता, जिसकी वजह से सर मैं कोई काम ही नहीं कर पा रही और लोगों से मदद मांग रही हूँ। लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसे करो वैसे करो, हम फिर तुम्हें पैसे देंगे, नहीं तो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। क्या कहते हैं, जिस्म फरोशी पे मजबूर जिस्म फरोशी पे मजबूर करते हैं, वीडियो कॉल पे हमारे साथ बात करो, हम ऐसे करेंगे, हम तुम्हें ऐसे करेंगे। सर मैं तो इज्जतदार घर की बेटी हूँ, मैं कोई आवारा नहीं थी। सर बहन भाइयों ने मेरे साथ वो हाल कर दिया, कल अपने भी बच्चे इनके, इनका क्या हाल है। कितना अरसा पहले आपकी शादी हुई? 7 साल हो गए सर मेरी शादी को, बच्चे भी नहीं है। बच्चे भी नहीं है? बच्चे तो भी नहीं। शोहर कितने अरसे बाद छोड़ के चला गया? 2 महीने हो गए शोहर भाई की तरफ छोड़कर चला गया कि जेवर उनसे लेके आओगी तो घर आ जाना वरना घर ना आना। जेवर उन्होंने कैसे लिया आपसे? सर मैंने शादी के बाद इनको ना जेवर पकड़ा दे के मेरी अमानत रख ली। भाइयों को? मेरे भाइयों ने ना फैसलाबाद में इनको दे दी थी जगह, शेखपुरा से शादी करके गए फैसलाबाद में, उन्होंने कहा हम कारोबार करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे। सर इन्होंने ना कारोबार दिया ना घर दिया, जेवर इनको पकड़ाया कि अमानत के तौर पर आप रख ले, हम आपसे ले लेंगे। सर इनको अमानत पकड़ाई है, इन्होंने सेल कर दिया। मैं जाकर पूछा कि मेरा जेवर कहाँ है, कहते हैं निकल जाओ धक्के दे के। सर इन्होंने मुझे घर से निकाला। भाइयों, सगे भाइयों ने धक्के दे के सगे निकाल भाइयों ने घर से धक्के दे के निकाला, मियाँ उनकी तरफ छोड़ कर आ गए, भाइयों ने धक्के दे के घर से निकाल दिया कि यहाँ से दफा हो जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ तुम पागल खाने चली जाओ, मीडिया में चली जाओ, जहाँ मर्जी चली जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, जिस मर्जी इंसान को ले आओ हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें भरे घर से हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप इस पोजीशन में हैं कि आप कहती हैं कि मैं जिस्म फरोशी के अलावा मेरे पास कोई हाल नहीं है, तो ये ख्याल कैसे आया? सर मैं बाजू से मजदूर, मैं कोई काम नहीं कर सकती, कोई एक वक्त की रोटी नहीं किसी को दे रहा, तो सर यही मजबूर होके कर सकती हूँ, या तो खुदकुशी कर सकती हूँ या जिस्म फरोशी कर सकती। बाजू को क्या हुआ वैसे? सर पैदाइशी है, बचपन से ही है पैदाइशी मजदूर। तो आपके वाल साहब जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए? जी वो दुनिया से, वालदा साहब वालदा भी फोत हो चुकी हैं। तो पहले जब वाल साहब थे तब कैसे हालात थे आपके? बहुत अच्छे हालात, अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करती, फैसलाबाद में गरीबां दी हट्टी नाम है हमारा, शेख असलम क्लॉथ हाउस हमारा फैसलाबाद में भाई नाम है, रॉयल प्लाजा है हमारा, गरीबां दी हट्टी हमारी दुकान है, पूरे फैसलाबाद में मेरे वाल साहब का नाम है और मेरे भाइयों ने मेरा ये हाल किया हुआ।
तो आप की जो जैसे बता रही है गरीबा की हटी हो ते बड़ा आवाम की और गरीबा की सपोर्ट कर देने ते तुहाडे भरावां ने तुहानू छड़ दिता। भाई यही तो वजह मैं इन्हों को अपना जेवर मंगिया, इन्हों को अपना हिस्सा मंगिया ते इन्होंने मैनू धक्के दे के घरों कढ़े। नाजरीन एक हाथ से मजदूर है और जहरी बात है दाया हाथ है काम किस तरह कर सकती है, तो दिखाइएगा हाथ जरा। ये हालत है मेरी बहन की। तो अब आप कहाँ रह रही हैं? फैसलाबाद में किसी के पास रेंट पे रह रही भाई, वो भी यकम तरीक को कह देते रेंट दे और आप यकीन माने मेरे पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, मैं रेंट कहाँ से दूँ? लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि किसी को एक वक्त की रोटी नहीं दे रही, अगर रोटी देते भी है तो 100 डिमांड करते हैं हमारे साथ ऐसे करो हमारे साथ वैसे करो। कितने अरसे से आप डर बता रहे हैं? 3 महीने हो गए सर। 3 महीने से कोई आसरा नहीं बना? नहीं सर, किसी ने कोई मदद नहीं की? मदद करते हैं लोग, जो नेक लोग हैं कुछ उन्होंने मदद की भी है, कुछ जो है बदतमीजी करते हैं हमारे साथ ऐसे करो हम तुम्हें वैसे कर देंगे, हम तुम्हें पैसे देते हैं हमारे हमें ऐसे आकर मिलो सर ये चीजें, लेकिन घर से कभी पाऊ पैर नहीं निकाला। तो सर मैं इस बात से इतनी शर्मिंदा हूँ कि अपने आप में मर रही हूँ कि अब जिस्म फरोशी कर लो, कि लोगों से यही काम करना तो जिस्म फरोशी क्यों ना की। कभी ख्याल आता है कि जब वालिद साहब थे तब कैसी जिंदगी थी? सर मेरी तब जिंदगी इस तरह थी कि मैं बता नहीं सकती, आज मैं जिस तरह जलील हो रही हूँ जब अपना पिछला वक्त याद आता मल्ली हो। तो आपके शोहर को कोई एहसास नहीं हुआ आपका? उन्होंने भी 2-3 दफा कॉल की है, उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया सर, उन्होंने भी कहा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं रख सकता सर, वो लाद भी नहीं हुई है उसने कहा मैं तुम्हें नहीं रख सकता। नाजरीन देखें कैसी बेहिसी है, शादी होने के बावजूद शोहर ने कहा जी मैं साथ नहीं रख सकता और छोड़ दिया। तो अब क्या कहती हैं, क्या करेंगी? अगर आपकी कोई मदद कर दे तो क्या कारोबार करना चाहती हैं, और जिस्म फरोशी फिर तो नहीं करेंगी? नहीं सर, फिर मैं जिस्म फरोशी क्यों करूंगी जब इज्जत की रोटी घर मिल रही है सर, मैंने काम नहीं कोई कर सकती, मैं यही कर सकती कि कोई मुझे मेरी मदद करे कारोबार के लिए, कपड़े लोन के सूट दे दे मैं घर बैठ के सेल कर सकती हूँ, तो सर मैं ये कर सकती हूँ और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, फिर मैं जिस्म फरोशी क्यों करूँगी अगर पेट मेरा पल रही तो मैंने मजबूरी के तहत करना है या तो खुदकुशी है या जिस्म फरोशी है, क्योंकि लोग बड़ी गलत बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान होकर मैंने ये कदम उठाने का फैसला किया। सर रोज़ा रखा है सुबह पानी से मैंने रोज़ा रखा। रोज़ा भी रखा है आप? जी सर पानी से मैंने रोज़ा रखा। तो अभी आपने जिस्म फरोशी वाला फैसला कर लिया है, अभी शुरू किया है या अभी सिर्फ सोचा है? नहीं भाई अभी मैंने सोचा है, मैंने रोजा रखा, मैंने सोचा है 4-5 दिन से सोच रही हूँ कि मैं ऐसे कर लूँ शायद मेरा पेट पल जाए, रिश्ते ये पैसा सब कुछ दुनिया में रह जाना, लेकिन ये जो इज्जत है ना बार बार सर, वो इज्जत बार बार नहीं आती है, वो चीज़ नहीं रहती है, ये चीज़ चाहती है कि मेरी मदद की जाए, मैं इस रास्ते पर जाने से मजबूर ना हो कि मैं जिस्म फरोशी करूँ। नादरीन ये खतून ये चाह रही है कि ये जिस्म फरोशी वाला धंधा ना करे और अपनी जो इज्जत है वो महफूज रख सके, आप लोग अगर इन्हें सपोर्ट करें तो ये वो जिस्म फरोशी वाला या मरने वाला जो फैसला है वो ना कर पाए, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आज आप इनकी दुआएं लेंगे तो कल को आपके लिए भी जन्नत का रास्ता सीधा होगा। तो अब आप कैसे खा पी रही हैं? बस भाई अल्लाह ताला की ज़ात है, कोई ना कोई मदद अल्लाह तक एक बंदा थोड़ी बहुत कर देता है जो मतलब कि किसी बिना मतलब के कर देते हैं। तो सर मतलब मैं बता रही मैंने रोज़ा रखा सर, सुबह मैंने पानी से रोज़ा रखा है, अभी अफ्तारी का कुछ पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना। वालिद साहब की याद आती है? जी आती है, बिल्कुल आती है, बताने की बात क्या सोच। फैसलाबाद में अजीम शख्सियत थी जिनकी वजह से घर के चूल्हे चलते थे, आज उनकी बेटी सड़कों पर बदल हो रही है। तो वो जो आपके भाइयों ने छोड़ दिया वो सगे भाई हैं? जी सगे भाई। उनका खून सफेद हो गया, उन्होंने एहसास नहीं किया? उन्होंने एहसास किया था, तो सर मैं इस टाइम इस सड़कों पे ना जलील ख्वार हो रही हूँ। इंतहाई दुखी दास्तान है, अमीर घर की ये लड़की है ये खतून है, लेकिन आज सड़कों पे रुल रही है। वालिद साहब जो दुनिया से चले गए और भाइयों ने एहसास नहीं किया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया बल्कि घर से निकाल दिया, सोना और जायदाद भी ले ली जैसे ये कह रही हैं, तो इस तरह के मामलात है, कितनी बेहिसी है। अब आप और हम इनकी आवाज़ बन सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं, जो आपकी मदद करना चाहें, जो मुहैया हजरात हैं जो साहिब हैसियत हैं वो आपकी मदद कैसे करेंगे? आपका कोई अकाउंट नंबर है, कोई नंबर है? जी सर मेरा अकाउंट नंबर है 0327-7927-686 0327-7927-686।
आयशा असलम के नाम से मेरा अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? जैस कैश अकाउंट। जैस कैश का ये अकाउंट है और आप इनकी बढ़ चढ़ के मदद करें ताकि ये गलत काम ना करें बल्कि ये राय रास्त पे आए और अपना जो पेट है, अपना जो मामलात हैं वो पूरे कर सकें, अपने अखराजात पूरे कर सकें, रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी है वो बेहतर तरीके से गुजार सके। तो ज़रूर इनकी मदद करें। अब आपने दुखी दास्तान सुन ली, इससे आगे हमारी हिम्मत जवाब दे रही है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।